मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की मूल्य वृद्धि के खिलाफ 11 जून शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में जिले के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम करीब 104 रुपए लीटर और डीजल के दाम 95 रुपए लीटर के करीब पहुंच गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता ने बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। कांग्रेस नेताओं ने साइकिल एवं पैदल शास्त्री पार्क से प्रदर्शन को प्रारंभ कर हनुमान चौराहे पुलिस पेट्रोल पंप तक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्यकर्ताओं को धारा 144 को उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया, जिसमें लगभग 52 लोगों पर धारा 188 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वरिष्ठ नेतृत्व के निर्देश पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर परम आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी और जयवर्धन सिंह जी के निर्देश पर आज जिला कांग्रेस कमेटी ने यहां महंगाई के विरोध में अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस पार्टी हमेशा गांधीवादी तरीके से अपना विरोध दर्ज कराती है। हम लोग साइकिल से तकिया लेकर कोरोना का पूरा पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए अपना प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने हमको बीच बीच में कई जगह रोकने का प्रयास किया। ये पुलिस की हठधर्मिता उचित नहीं है, जबकि कुछ दिन पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी ने हमारे शास्त्री पार्क के चौराहे पर पुतला दहन किया। हमने वो पुतला दहन के फोटो वीडियोस पुलिस प्रशासन को और जिला प्रशासन को सौंपे, लेकिन आज तक बड़ा दुर्भाग्य है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हम गांधीवादी तरीके से जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, इस उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। हम जिला प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि उन्हें समानता का व्यवहार करना चाहिए। जिसमें हरिशंकर विजय वर्गीय, शेखर वशिष्ठ, प्रशांत सिंह सिसोदिया, रजनी शर्मा, दीपेश पाटनी, सीमा यादव, प्रीति यादव, सुनीता जाटव सहित लगभग अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। गुना से मनोज पाटिल की रिपोर्ट।